स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हमारे साथ मौजूद है काशी सिंह एरी जी, यूकेडी के इस वक्त मौजूदा केंद्रीय अध्यक्ष हैं और वो बात चल रही है। तो एक संकट समिति बनी थी एरी जी, उस वक्त 1994 की बात आप कर रहे हो, यूकेडी से अलग आप और बड़ोनी जी साथ हैं, उन्होंने एक संकट समिति बनाई, उसके अध्यक्ष भी आप बने। तो संकट समिति बनाने की आपने वजह बताई कि यूकेडी बड़ी हो गई थी, उसके बीच में साथ में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए संकट समिति बनी। क्या वजह थी उसकी? और वजह मैंने बताया कि यूकेडी के बड़े होने छोटे होने का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि यूकेडी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका अपना झंडा अपना सिंबल था, तो और लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल जन संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन स्टूडेंट हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, तो उन्होंने ये अपील हमसे की कि हम भी आंदोलन में आना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के झंडे डंडे के अंदर हम नहीं आ सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपना पार्टी का झंडा डंडा अलग कर देते हैं, आप आइए। तो झंडा डंडा अलग किया हमने, और अध्यक्ष मैं था संयुक्त संघर्ष समिति का, संरक्षक वही बडोनी जी थे, और आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य सारी चीज़ का कि हमने राज्य के लिए उद्देश्य राज्य हासिल करना था, तो उसके लिए हमने पार्टी को भी पीछे किया और उनकी बात मान। पार्टी को पीछे करना, पार्टी को कमज़ोर करना नहीं था, वो था, हम इस बात को महसूस करते थे। जब सब ने कहा कि आपको अपनी पार्टी चाहिए या राज्य चाहिए, हमने कहा हमें राज्य चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा देर के लिए आप पार्टी का झंडा अलग करो, हमने उनकी बात मानी। तो वही नतीजा ये हुआ, नहीं नहीं नतीजा ये हुआ कि सब लोग आए, और नतीजा ये हुआ कि वो आंदोलन 2000 तक चला, बाकायदा चला, और हम लोग कामयाब हुए राज्य हासिल करने में। तो हमारा उद्देश्य जो उत्तराखंड कांग्रेस दल का था राज्य हासिल करना, उसमें हम कामयाब हुए। हमारी पार्टी का संगठन कमज़ोर हुआ, ये एक हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उसको हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम पार्टी के लिए प्रतिबद्ध ज़्यादा नहीं है, पार्टी तो उत्तराखंड राज्य लेने के लिए बनाई थी हमने, पार्टी कमज़ोर भी होती है और हमारा मकसद पूरा हो जाता है, हमारा लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी। तो आपने जब वो पर वहाँ पर बनाया, आपने जब वो जब संघर्ष समिति बना, खैर चलो जो मुद्दे रहे आपकी यूकेडी कमज़ोर हुई, इसके बाद राज्य बना, राज्य बनने के बाद क्या वजह रही यूकेडी जो लगातार टूटती रही? अब यूकेडी कमज़ोर हुई, टूटी क्यों, ये सवाल आपका बड़ा मौजू और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसमें मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूँ, उसमें पूरा एक तो हमारी जो सांगठनिक स्थिति थी उस पूरे दौर में आंदोलन में वो कमज़ोर हो गई थी, सीधी बात यह है। हम तो राज्य के आंदोलन में रहे, संगठन को नहीं देखा। संगठन को देखे कहाँ, संगठन को हम लोगों ने पहले कमज़ोर कर दिया था। हाँ नहीं देखा, मैं मानता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ। तो जब ये हुआ, तो जब राज्य बना और राज्य बना 2002 में पहला चुनाव हुआ, तो हम बिना वो पुराने कमज़ोर संगठन के तहत और इसके तहत हम चुनाव में गए, फिर भी जनता ने उस वक्त जो हो सकता था हमको चार सीटें दी और हम लोग जो भी परफॉर्म कर सकते थे, जो भी विधानसभा में कर सकते थे, जो इश्यूज उत्तराखंड राज्य के थे हमने उठाया, उसके अलावा आंदोलन भी हमने किया। लेकिन जो आपने सवाल किया कि लड़ाई क्यों, टूटा क्यों, टूटे क्यों, बिखरी क्यों, बिखरे क्यों, तो उसमें यही है कि सन 2002 में जब चुनाव हो गए, तो उससे पहले ही हमारा अधिवेशन ड्यू था। महाधिवेशन हर दो साल में होता है, नया चुनाव होता है, नया अध्यक्ष बनता है। उस वक्त दिवाकर भट्ट जी अध्यक्ष थे और उन्होंने ये जिद कर ली कि नहीं जी, हम तो अधिवेशन नहीं करेंगे, हम ही बने रहेंगे। तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने इसका विरोध किया कि ये कौन कौन था आपके साथ उस वक्त? मैं था, त्रिपाठी जी थे और सारा पूरा कैडर था। तो वो नहीं माने, दिवाकर भट्ट जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बनूंगा, जब चाहूंगा तब अधिवेशन कर। चार विधायक भी थे आप उस वक्त? चार। कितने विधायक आपके साथ थे उस वक्त? तीन विधायक हमारे साथ थे, एक विधायक अलग थे। एक अलग थे। कौन? प्रीतम पवार जी अलग थे। प्रीतम पवार जी दिवाकर भट्ट जी के साथ। जब ये हुआ कि वो माने नहीं, तो हमने अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन बुला के हमने स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी को अध्यक्ष चुना, सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे उन्होंने, तो दिवाकर भट्ट जी ने अपनी पार्टी अलग बना दी, उनके साथ वो चले गए, उनको निकाल भी दिया। तो उसके बाद चुनाव आयोग में ये मामला गया, चुनाव आयोग ने फिर इसका परीक्षण किया, तो जो तीन विधायक जहाँ थे और कार्यकर्ता सारे नेता थे, उसको कोर कमेटी थी, कोर कमेटी आपके साथ थी। साथ थे, तो उन्होंने मान्यता दे दी, तो ये ठीक चला। फिर ये बात आई कि नहीं एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, हमने कहा चलो एक हो जाते हैं, दिवाकर भट्ट जी को फिर ज्वाइन कर लिया। फिर हम लोग वापस लाए और 2007 का चुनाव हमने मिल के लड़ा।
दिवाकर भटजी भी आ गए, सब लोग आ गए। हमने फिर इस पार्टी में एका करके सब बढ़िया करने की कोशिश की। 2007 में हम एक हुए, एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन सीटें तीन ही रही जिसमें दिवाकर भटजी जीते, आप हार गए, मैं हार गया, तो तीन ही रहे। और उसके बाद 2007 से 2010 के बाद पार्टी का संगठन जैसा भी चला, दिवाकर भटजी हमारे मंत्री रहे। तो अब जब ये बात आई कि तो 2010 में फिर अधिवेशन होना था, अधिवेशन हुआ, मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष बनता हूँ, मेरे पास समय है, मैं अभी विधायक भी नहीं हूँ, तो मैं पार्टी को ठीक करूँगा। मैंने क्या कहा लोगों की, नहीं आपने कहा ये आपके साथ ही जो लोग लोगों की चाहत थी ये कि आपको एक बार टेक ओवर करना चाहिए, आना चाहिए। उस वक्त आप संरक्षक थे? संरक्षक तो नहीं, उस वक्त जब 2010 में महाधिवेशन होने, तो उस वक्त क्या थे आप? उस वक्त कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अच्छा, तो हमने कहा चलो लोग कह रहे हैं तो मैं भी बन जाता हूँ। हमने दावेदारी की तो दिवाकर भट्ट ने जीत पकड़ ली कि आप नहीं बनोगे, त्रिवेंद्र पवार बनेंगे। मैंने कहा तो मैंने जो उससे पहले कहा था, मैं बता दूँ इसमें भी ऑन रिकॉर्ड बता दूँ, वो दिवाकर भट्ट जी ने कहा कि नहीं ये तो आपका चेला, इसको बना दो। मैंने कहा मेरा चेला है, छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल आदमी है ये कभी किसी दिन पार्टी को चौराहे में खड़ा कर देगा। तो नॉन पॉलिटिकल आदमी को आप 1979 से 2013 तक कैसे ले आए? सुन ली, नहीं आंदोलनकारी बढ़िया है, अच्छा आंदोलनकारी है। मैंने नॉन पॉलिटिकल का आंदोलनकारी नहीं कहा, आंदोलनकारी तो बहुत सारे छूट गए थे, वो संघर्ष समिति वाले भी आपको छूट गए, ठीक है, बीच में लोग छूटते चले गए। तो जो त्रिवेंद्र पवार जी को आप लगातार दो साथ रहेगा, दिवाकर भटजी ने गलत तो नहीं कहा, चेले तो थे आपके वो? हाँ मैंने सही कहा, मैंने ये मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल मेरा चेला छोटा भाई है, छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है और आंदोलनकारी है, लेकिन थोड़ा नॉन पॉलिटिकल है और किसी दिन ऐसा फैसला ले देगा पार्टी चौराहे में जाएगी, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष बनते हो तो मैं तो पार्टी तोड़ दूंगा, मैं अलग चला जाऊंगा। अच्छा, दिवाकर भटजी पूरा सीन किया। तो रामनगर में पहली मीटिंग हुई, सब लोग तैयार थे, दिवाकर भटजी ने बछेड़ा खड़ा कर दिया और अलग कर दिया। आपके साथ सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए कमेटी कितने लोग थे उस वक्त? पूरे 99%। तो हमने कहा चलो यार ऐसा मत करो, फिर बातचीत कर लेंगे। 6 महीने टाला हमने अधिवेशन, 6 महीने में हमने फिर कोशिश की किसी तरह से मान जाए, उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं मानते, जिद त्रिवेंद्र पवार की, पीछे से दिवाकर भट्ट, तो नहीं माने। तो अल्टीमेटली हमने कहा ओके पार्टी मत तोड़ो, इसी इन्हीं त्रिवेंद्र पवार जी को अध्यक्ष बना दो। तब हमने कंप्रोमाइज़ किया, 99% जो हमारे साथ कैडर था उस वो नाराज हुआ, उसको हमने समझाया, मैंने कहा पार्टी टूटने से तो अच्छा कोई भी अध्यक्ष, पार्टी हित के लिए तो काम नहीं किया आपने, जब 99% लोगों को अपना राज कर रहे हो तो पार्टी के लिए कहां से काम होगी? ये आपका कहना है, उस वक्त की सिचुएशन में मुझे उस वक्त यही सही लगा। तो ये सिचुएशन उस वक्त वाली की त्रिपाठी जी के टाइम पे, जब आप और त्रिपाठी जीते तब भी ये स्थिति पैदा हुई थी, दिवाकर भट्ट जी आगे आ रहे थे, आप उन्हें नहीं आने चाहते? नहीं, तो उस वक्त पार्टी टूटी, तो उस वक्त आपने नहीं अच्छा फैसला लिया, दिवाकर भट्ट जी फिर वापिस आए, तो ऐसा आपने 2010 में क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं किसी एक गुट का नेता नहीं बनना चाहूंगा, मैंने पार्टी खड़ी गुट के नेता। तो आप उस वक्त में जब त्रिपाठी थे, जब भी दिवाकर भट्ट जी अलग हुए थे, जब उस वक्त मैं अध्यक्ष नहीं था, उस वक्त त्रिपाठी अध्यक्ष थे, हम संरक्षित के थे, पूरी पार्टी के हम नेता थे, वो भी दूसरे गुट के लिए भी मानते थे, हम भी मानते थे, दूसरे ये वाले भी मानते थे, लेकिन जब मैं ही खुद स्टेक में हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, मेरी वजह से पार्टी टूटे अध्यक्ष बनने के उसमें, तो ये मैं उचित नहीं समझता था। पार्टी कहाँ टूटी थी, 99% लोग आपके साथ, 1% जाने देते आप? नहीं, अब वो लेकिन टूटते जाते ना, आप लोग छोड़ते कहाँ, जैसे आप लोग मीडिया जो है, जो दो आदमी भी वहाँ से बाहर आते अधिवेशन से, तो आप तो पूरा हल्ला कर देते कि टूट गई दो गुट, तो ये डिसीजन तो गलत है ना आपका, क्योंकि इसके बाद भी स्थिति पैदा हुई, दिवाकर भट्ट जी तो बाद में भी निकले। आप अभी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग तब भी कहते थे कि आपने गलत कर दिया, आपने वापस नहीं लेना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे ठीक लगा कि दो आदमी भी अगर नाराज हैं तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, पूरी पार्टी सहमत होनी चाहिए, पूरी पार्टी सहमत नहीं है, इन्होंने एक इशू बना दिया कि त्रिवेंद्र पवार को अध्यक्ष बना दिया। माने कि एरे जी ने 1% लोगों की बात मानी, 99% लोगों की बात नहीं। कभी कभी राजनीति में फ्यूचर के लिए ऐसा करना पड़ता है, वो बात आगे जाके सही निकले, वो डिसीजन आगे जाके सही हो, गलत हो। खैर फिर क्या हुआ उसके बाद, जब आप 99% लोगों को नाराज करके आप संरक्षक बने, उन्हें अध्यक्ष बनाया आपने त्रिवेंद्र पवार को? मैं संरक्षक तो उन्होंने नहीं बनाया और न संरक्षक बना, त्रिवेंद्र पवार ने जब अध्यक्ष बन गए हमने उनका पूरा सहयोग किया, लेकिन त्रिवेंद्र पवार ने जो संरक्षक, जो चुनाव आयोग में लिस्ट जाती है, संरक्षक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होता है, ये परंपरा भी मैंने शुरू की थी,
मैंने शुरू किया ना, संविधान में है पहले से भी आरती है, आपसे पहले बटोनी जी संरक्षक थे। मैंने शुरू किया, मैंने शुरू किया, आप अध्यक्ष थे, वो बटोनी जी संरक्षक थे। ये परिपाटी मैंने शुरू, ये कन्वेंशन था हमारी पार्टी का, एक विशेष है, किसी पोलिटिकल पार्टी में संरक्षक नहीं होते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम भेजना चाहिए था, उन्होंने पहली लिस्ट जो बनाई पदाधिकारियों की उसमें मेरा नाम नहीं था, बाकी को बनाया उन्होंने, रतुड़ी जी को बनाया, जंतवाल जी को बनाया, दिवाकर भट्ट को बनाया, मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ही। किसने बनाया? दिवाकर भट्ट ने, दिवाकर भट्ट को नहीं, नहीं। आपका नाम किसने निकाला? पवार जी ने निकाला। पवार जी ने निकाला। अच्छा, आपके पवार चेले ने आपका नाम निकाल दिया। निकाल दिया। तो मैं बता रहा हूँ, चेले तो है ही हमारे, आज भी है, वो माने न माने, बिल्कुल सही बात है ना। तो फिर भी हमने कोई ऐसा नहीं किया। अब फिर क्या, कहाँ काम खराब हुआ, पार्टी की कार्यकारिणी को बिना पूछे हुए, बिना फैसले किए हुए, अचानक एक दिन त्रिवेण पवार ने बीजेपी से समर्थन वापस। मैंने देखे, मैंने इलेक्ट्रॉन में मैं चेयरमैन था, मैंने अपना इस्तीफा त्रिवेण पवार को लिख के दे दिया, इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, मैंने कहा जब तुम्हारी मर्जी हो, जब सब ठीक ठाक हो जाए, मेरा इस्तीफा। मैं कहाँ चला गया इस्तीफा? आप तो सवा साल तक जुड़े रहे, दायित्वधारी रहे आप उसके बाद। मैंने त्रिवेण पवार के कहने से, उन्होंने कहा कि हम समर्थन वापस लेने पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप इस्तीफा दे दो, मुझे दे दो, मैं मजबूत हूँ। मैंने कहा ये लो, त्रिवेण पवार को मैंने इस्तीफा लिख के अपने हाथ से दे दिया। मैंने कहा जब तुम्हें जरूरत पड़े मुख्यमंत्री के यहाँ भेज देना। तो वो शो क्यों नहीं हुआ, उसने भेजा क्यों नहीं? वो त्रिवेण पवार हैं, ये तो उनसे पूछे। तो फिर आपको पारा उपलगा ना कि सवा साल तक आपने छोड़ा नहीं दायित्व। नहीं, मैंने उनको लिख के दिया है, ये कह के दिया है कि जब तुमको जरूरत पड़े ये मुख्यमंत्री को मेरा इस्तीफा भेज देना। तो उन्होंने नहीं भेजा, चलते रहे। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने चोर के बिना किसी को बताए हुए राज्यपाल के यहाँ जाके समर्थन वापस ले लिया, आपसे बिना पूछे, कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी की मीटिंग में नहीं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नहीं। और मैं उस दिन पिथौरागढ़ था, दिवाकर भट्ट जी का फोन आया एक घंटे बाद, कहा सुन लिया आपने? मैंने कहा क्या सुनना? कि ये समर्थन वापस ले लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपको नहीं पूछा? अरे तुम ऐसी बात करते हो, तुमको नहीं पूछा? मैंने कहा मुझसे तो नहीं पूछा भैया, मतलब अपना फैसला ले लिया। तो अब क्या होगा? मैंने कहा मैं हमेशा कहता था ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पार्टी को चौराहे में खड़ा करेगा, वो कर दिया है, अब तुम निपटो। मैंने फ़ोन कर दिया, दिवाकर भट्ट जी के सामने मैं बात कर लूँगा। ये चले, ये बातें होती रहेंगी, वक्त भी बहुत कम है। अब स्थिति क्या है, अब क्या चाहते हो, अब पार्टी को एकजुट करने के लिए क्या कर रहे हो? कर रहा हूँ मैं पार्टी को एकजुट करने के लिए। तो ये अब अपने चेले को लाओगे वापस? चेले का स्वागत है, आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो तो फिर वो नॉन पॉलिटिकल, फिर वो सारी प्रॉब्लम तो फिर कल भी होंगी खड़ी। ऐसे वापस आ जाए, हमारे नेतृत्व में प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो उसको ठीक कर लेंगे। फिलहाल हमारे साथ काय सिंह एरी जी रहे। एरी जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे जुड़े पार्टी के अंदर, यूकेडी के अंदर कुछ लोग जुड़े, पार्टी कभी कमज़ोर रही, पार्टी कभी मजबूत रही, एक समिति बनानी पड़ी, उस समिति की अध्यक्षता में फिर आंदोलन हुआ, जो भी स्थिति रही बहरहाल। लेकिन अब फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो एक ऐसा गुट है जिसकी अध्यक्षता काय सिंह एरी जी कर रहे हैं, एक ऐसा गुट है जिसकी अध्यक्षता त्रिवेंद्र पवार कर रहे हैं। काय सिंह एरी जी का गुट मजबूत है, त्रिवेंद्र पवार का गुट कमज़ोर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों से ही अलग हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन इस एकजुटता के अंदर प्रयास करता है, काय सिंह एरी जी क्या करते हैं, दिवाकर भट्ट को वापस लाते हैं, त्रिवेंद्र पवार को मनाते हैं, जो उनके गुरु चेले का जो संबंध है उस संबंध को बरकरार रखते हैं। लेकिन फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो क्षेत्र का मुद्दा था, जो पहाड़ का मुद्दा था, यूकेडी जिस मुद्दे को लेकर चला था, वो बरकरार रहे। नमस्कार।